स्टूडेंट्स, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स. ओके, व्हाट आर द वेरियस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स अक्रॉस विच गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. ओके, सो दिस इज एल्वियोलाई एंड दिस इज अ ब्लड वेसल ऑफ अ कैपिलरी. ओके, दिस इज अ कैपिलरी एंड यू नो दैट कैपिलरी इज वन सेल थिक. ओके, कैपिलरी बहुत फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत ही फाइन, नैरो एंड आर वन सेल थिक. तो देख रहे हो कि वन सेल थिक है, ठीक है, ओनली वन सेल, और इसके अंदर ये ब्लड है और RBC है. एंड दिस इज एल्वियोलाई, दिस इज अ सिंगल एल्वियोलाई विच इज आल्सो लाइंड बाय अ स्क्वैमस एपिथेलियम. ओके, एज यू नो दैट alveoli, the lining of the alveoli is made up of squamous epithelium, and you know that the in epithelium the cells are rest on a basement membrane. Okay, तो basement membrane होती है, ठीक है, basement membrane के ऊपर ही ये cells होंगी, चाहे ये blood vessels की membrane हो, यहाँ पर भी squamous epithelium होती हैं ये, और ये भी स्क्वैमस एपिथीलियम है, ठीक है. और चूँकि एपिथीलियम है तो एपिथीलियम जो होती हैं, जो एपिथीलियल सेल्स होती हैं, दे लाई ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, सो अब लेट्स सी हाउ मेनी बेस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स आर देयर. तो देयर आर थ्री मेजर लेयर्स. ओके, देयर आर थ्री मेजर लेयर्स ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, नेमली थिन स्क्वैमस एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई. So this one, thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium, the epithelial lining of the blood vessel is called endothelium. Okay, endothelium. Okay, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो वॉल होती है, वॉल को हम क्या बोलते हैं, द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एंडोथेलियम. ओके, सो स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके, है ना, ब्लड वेसल्स एंड द बेसमेंट सब्सटेंसेस इन बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में ये क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर इस एल्वियोलाई की भी होगी और इस एल्वियोलाई की भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी. ठीक है, ओके, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर तीन लेयर हो गई, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल. ओके, सो और इनकी जो थिकनेस होती है, ये जो थिकनेस आप देख रहे हो, इसी को क्रॉस करके ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आएगी और ब्लड से CO2 यहाँ पे आएगी, एल्वियोलाई में आएगी. तो ये जो थिकनेस है इस पे भी डिपेंड करता है, और ये जो थिकनेस है, ठीक है, ये जो तीनों लेयर्स हैं इनकी थिकनेस हार्डली 1 मिलीमीटर से भी कम होती है. ओके, 1 मिलीमीटर से भी इनकी कम थिकनेस होती है, सो आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो पाता है. ओके, सो देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ द CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई. ओके, तो टिश्यू से ब्लड में आ जाएगी,